बरगाड़ी विखे जुड़ी समूह साध संग जीओ, अज असी साडे कौमी शहीद भाई दीप सिद्धू उन्हां दी याद च इकट्ठे होए हाँ, उन्हां दी याद च जुड़ बैठे हाँ। मेरे वालों दास अमृतपाल सिंह वालों एक बार फिर फतेह प्रवान करनी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दीप सिद्धू बई दे जान दा जिहड़ा घाटा है वह कौम नूं परिवार नूं पंजाब नूं वह कदे भी पूरिया नहीं जा सकता। मन जदों दे ओह गए ने सारी कौम का मन वरागमई है, तो होना नहीं सी क्योंकि जिहड़े दीप सिद्धू ने जिहड़ी चेतनता जिहड़ा संघर्ष पंजाब च कीता है वह पिछले 10-20 सालों के नहीं सी होया। नौजवानों नूं लगन लग पिया सी कि साडी बांह फड़न वाला, साडी गल करन वाला ते साडे नाल बेबाकी नाल खड़न वाला कोई आगू साडे च आ गया, पर परमात्मा नूं जो मंजूर सी अचनचेत उन्हां दा तुर जाणा। वै जिथे कौम लई एडा वड्डा धक्का सी उत्थे ही साडे अगे वी सवाल खड़ा हो गया कि भाई दीप सिद्धू नूं असीं अपने मनां च जिउंदे किवें रखणा। उन्हां दी याद नूं, उन्हां दे संघर्ष नूं, उन्हां दे सिधांत नूं किवें असीं अगे लैके जाणा है। सो वरागमई होना एक बहुत पवित्र जज्बा है, पर नाल दी नाल सानू यह समझना चाहिए है कि भाई दीप नूं असी अपने मन च जीवंदे रखना है तो सानू अपने जीवन दे विच बड़े सूखम ते बड़े वड्डे बदलाव करने पैणगे। सानू उसे तरीके नाल पंजाब दी पीड़ नूं समझना पवेगा जिवें भाई दीप सिद्धू पंजाब दी इस दर्द नूं समझदा सी, जिवें ओह पंजाब दी इस पीड़ नूं महसूस करदा सी, जिवें उस पंजाब सिखां दे नाल होए धक्कियां दे खिलाफ गल करदा सी, जिवें उन्हें बिना डरे बिना झुके पंजाब दे हक्कां दी गल कीती, उस तरीके नाल सानू भी यह जिहड़ी बेबाकी दे नाल बिना डरे बिना झुके इस हकूमत वालों कीते जा रहे जुल्मां दे खिलाफ आवाज चुकनी चाहिए। उन्हां वालों बनाई जथेबंदी वारस पंजाब दे, जथेबंदी का मकसद समाजिक ढांचियां च जिहड़ियां कमियां आ चुकियां ने पिछले 150 साल की गुलामी करके, जदों 1849 तो बाद गोरियां का कब्जा पंजाब ते हुंदा है, उस तो बाद 1947 के हिंद हुकूमत का कब्जा पंजाब ते हो जाता है, तो पंजाब नूं कदे भी आजादी नहीं मिली, कदे भी खुदमुख्तियारी नहीं मिली, पंजाब नूं अपने फैसले करन दा अधिकार कदे भी नहीं मिलिया। सो यह जिहड़ी 150 साल की गुलामी है उहदे खिलाफ उन्होंने जिहड़ी जंग विढ़न वास्ते समाज का ढांचा जिहड़ा इस गुलामी दे नाल प्रभावित होया है, इंबैलेंस हो गया है, उन्हों ठीक करने वास्ते एक जथेबंदी नियुक्त की सी, जथेबंदी बनाई सी जिसका मकसद डायरैक्ट इलैक्टोरल पॉलिटिक्स ना जाके भी पंजाब की जिहड़ी एक राजसी ताकत है उन्हों मजबूत करना है, समाजिक ढांचे को सुधारना है, सिक्ख्या ढांचे को सुधारना है, मैडिकल बोर्ड इस्टैबलिश करना है, अपना लीगल विंग तैयार करने ने, पंचायती ढांचे खड़े करने ने, पिंड पिंड खुद मुख्तियार का नारा देना सी। उन्हों का बेवकती तुर जाण का घाटा तो बेशक कदे पूरिया नहीं जा सकता, पर फिर भी जे उन्हां दी याद नूं आपां जिउंदे रखना है तो अपना यह धर्म है, अपना मकसद यह ही है कि असी जिहड़ा उन्हां दा मकसद है इस जथेबंदी वालों तोरिया गया उस दे नाल जुड़ के तो इस नूं पूरा करिए। जिहड़ी धरती ते अज आपां खड़े हाँ बरगाड़ी, इत्थे 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई सी, जिस तो बाद कौम ने बहुत वड्डा रोह जिहड़ा प्रगट किया। कौम ने उस तो बाद ते उस तो पहला भी हुई बेअदबी दियां गुहारां इंसाफ वास्ते हिंदुस्तानी हुकूमत अगे लाइया ने, पर ना तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने कदे इंसाफ देना है तो ना सानू कोई आस रखनी चाहिए है। फिर भी कौम का इकट्ठे होना तो कौम का इस चीज़ पर रोस जताना जिहड़ा है वह जायज़ है, क्योंकि असी लंबे समय तो जिहड़ी गुलामी भोग रहे हैं उहदे चों सानू कोई रस्ता नज़र नहीं आता। जदों पिछे जे दरबार साहब बेअदबी करन आए बंदे का सौदा लगा तो कौम के बड़े नामवर जिहड़े आगू से वह चुप कर गए, पर साडे दीप सिद्धू वीर सी उन्होंने बड़ी बेबाकी नाल 10-15 मिंटां च ही बयान दिता कि सानू जिहड़ा भी दरबार साहब दे उत्ते इदां चढ़ के आउंदा उहदा सौदा लाउणा चाहीदा, असीं इस गल दे हक च हां। सो मैं इहो गल कहणी चाहुंदा कि जिहड़ा इंसाफ है वह कौम खुद मुख्तियार हो के आप करे, गुरु साहब की ताबिया त्यार बर त्यार सिंह रहन तां जो इन्हां हमलियां नूं पहला रोकिया जाए, तो फिर जिहड़ी इंसाफ की गल वह भी खालसा जदों जिथे जोर पवे उहनूं करना चाहीदा है। उस तो बाद मैं जिहड़ी गल है वह अपनी हुण समेटनी है, तो उस तो पहला मैं यह गल करनी चाहुंदा कि जथेबंदी ने जिहड़ा दीप सिद्धू बाई दे जाण तो बाद एक तो खिलाफ पैदा हो गया सी भी कौन जथेबंदी की अगवाई करेगा, काफ़ी साडी जथेबंदी दे अंदरूनी विचार होई, असी माहरां दे नाल कौम दे वड्डे आगूआं दे नाल सलाह मशवरा कीता,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਕਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।